space summoned. इलेवन इंच बाय सेवन इंच के टू पीसेस रबर शीट और फैब्रिक हमें साथ में अटैच करना है, लाइनिंग हम बाद में जोड़ देंगे। उसके बीच में मैंने एक बॉर्डर जोड़ दी है। सेवन इंच बाय सेवन इंच के थ्री पीसेस, उसके साथ हमें फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग तीनों साथ में अटैच करना है। फिफ्टीन इंच बाय सेवन इंच का वन पीस रबर शीट और फैब्रिक हमें साथ में करना है, लाइन हम बाद में करेंगे। फाइव इंच बाय सेवन इंच के टू पीसेस लाइनिंग, फिफ्टीन इंच की टू बॉर्डर, ये कैसे बनाना है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। फिफ्टीन इंच की एक ज़िपर, सेवन इंच की टू ज़िपर्स, थ्री रनर्स और दो वेलक्रो एक एक इंच के। ये 15 इंच की बॉर्डर लेना है, हम उसका बेल्ट बनाएंगे और उसको एक फोल्ड करना है, अंदर की साइड सीधी रहेगी और उसके साथ हमें स्पंज अटैच करना है। इस स्पंज के ऊपर कभी कभी सिलाई नहीं आती है, स्पंज खींचता है, इसके लिए हमें उसके ऊपर पेपर रखना है और हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। नीचे का वो फैब्रिक हमें एक के ऊपर एक रखते जाना है और उसके ऊपर हमें पेपर रखना है। सिलाई होने के बाद हमें और एक्स्ट्रा स्पंज हम कट करेंगे। ये होने के बाद हमें एक नीडल लेना है, उसमें थ्रेड डालना है थोड़ा, दो फोल्ड करके, और एक साइड में हमें दो स्टिच करके लेना है और नीडल को बैक साइड से अंदर डालना है। वो नीडल दूसरी साइड से हमें बाहर निकालना है और मशीन के यहाँ हमें दो बार हम फोल्ड करके रखेंगे ताकि ये खींचने में हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें ये फैब्रिक थोड़ा सा अंदर डालना है और ऊपर से हमें खींचना है और नीचे से धीरे धीरे हमें खींचते जाना है ताकि ये बेल्ट की सीधी साइड ऊपर आ जाए। ये बेल्ट तैयार हो गया। अभी हमें जो थ्रेड है वो हमें निकालना है और एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे। ऐसा ये बेल्ट हमारा तैयार हो गया। ऐसे दोनों बेल्ट तैयार हो गए। अभी हमें 5 इंच बाय 7 इंच की टू लाइनिंग के पीसेस लेने हैं और उसके ऊपर हमें 7 इंच की जिप अटैच करके लेना है। ये जिप लगाने के बाद हमें उसके अंदर रनर डालना है। अभी हमें 11 इंच बाय 7 इंच के ये दो पार्ट है वो हम लेना है।
उसका जो लाइनिंग है वो हम पहला लेंगे, उसके ऊपर हमें नीचे से 5 इंच पे मार्क करना है। और ये जो पार्ट बनाया था वो हमें इसके ऊपर अटैच करना है। हम जिप उल्टी साइड में रख के उसके ऊपर सिलाई करेंगे, बाद में नीचे करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हमें उसको उल्टा करना है और दोनों साइड से हमें सिलाई करके लेना है। वैसे दूसरे साइड में करना है, दूसरे पार्ट में। ऐसे ये दोनों साइड से सिलाई करके लिया। अभी हमें 11 इंच का बाय 7 इंच का ये पार्ट के ऊपर ये चारों साइड से जोड़ना है। ये जो जिप लगाया हुआ पार्ट है वो हमें लेना है, और ये जो जिप है वो हमें नीचे की तरफ रखना है, और ऊपर हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर से हमें 1.5 इंच पे दोनों साइड से मार्क करके लेना है, और उसके ऊपर हमें ये बेल्ट अटैच करना है। वैसे हमें दूसरे साइड में करना है। ये जो बेल्ट बनाया था वो हमें ये मार्किंग के बाहर से जुड़ के लेना है। ये दोनों पार्ट तैयार होने के बाद हमें ये 15 इंच बाय 7 इंच का ये पार्ट लेना है। उसके साथ मैंने लाइनिंग अटैच नहीं किया है, सिर्फ रबर शीट और फैब्रिक जोड़ के लिया है। और उसके जो सेंटर है, सेंटर से मैंने एक दाब का सिलाई किया है दोनों साइड से। वे हमें जो लाइनिंग है वो नीचे रखे, ये सिलाई के बीच में ये कट होने के बाद हमें 15 इंच के ये जिप है वो हमें अटैच करना है। उसके ऊपर हमें ये जो लाइनिंग पीस है वो जोड़ना है और सिलाई करना है। बाद में ये टर्न करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हमें लाइनिंग को अंदर की तरफ लेके ऊपर से हमें दाब सिलाई करना है, और दूसरा पार्ट वैसे ही हमें जॉइन करके लेंगे। ये जिप अटैच करके हमें रनर डाल के लेना है, और ऊपर से 1 इंच और साइड से 1.5 इंच पे हमें चारों साइड से मार्क करके लेना है। यहाँ हमें वेलक्रो जॉइन करना है। ये कपड़ा थीन है, पतला है, इसके लिए मैंने ये लाइनिंग अटैच होने के बाद अटैच किया है। अगर आपका कपड़ा ठीक रहेगा तो आप पहले जोड़ सकते हैं और बाद में लाइनिंग जोड़ सकते हैं, तो सिलाई अंदर से नहीं दिखेगी। ये चारों साइड से सिलाई करके ली है। अभी हमें ऊपर से 1 इंच पे मार्क करना है, और साइड से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। वैसे हमें चारों साइड से मार्किंग करके लेना है, और ये वेलक्रो हमें चारों साइड अटैच करना है। वैसे ये चारों साइड में वेलक्रो अटैच करके हो गया। अभी हमें ये जो बेल्ट लगाया हुआ पार्ट है वो हमें लेना है, और 7 बाय 7 के दो पार्ट हमें लेने हैं। और हमें ये जो नीचे की साइड है वहाँ हमें 7 इंच पे मार्क करना है, और ये दोनों पार्ट साइड से जोड़ देने हैं। ऐसे ये 7 इंच बाय 7 इंच के दोनों पार्ट जॉइन करके लिए हैं। अभी हमें पाइपिंग लेना है, और चारों साइड से हमें पाइपिंग से कवर करना है।
ये चारों साइड से पाइपिंग होने के बाद हमें ये जो 7 इंच बाय 7 इंच का तीसरा पार्ट है वो हमें लेना है, और वो हमें नीचे की साइड रख के चारों साइड से सिलाई करना है। ये चारों साइड से जॉइन करके लिया, अभी हमें इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करना है। ये चारों साइड से पाइपिंग हो गई, अभी हमें ये 15 इंच बाय 7 इंच का ये पार्ट हमें लेना है और ऊपर की साइड में हमें इसको अटैच करना है। पहले हम पिन से अटैच करके लेंगे और बाद में इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। चारों साइड से सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हम ये पाइपिंग लेंगे और एक साइड से हमें पाइपिंग जोड़ना चालू करेंगे और पूरे चारों साइड से हमें पाइपिंग से कवर करना है। चारों साइड से पाइपिंग होने के बाद हम बैक को टर्न करेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।